अच्छा टाइम थ्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बेटा, मॉडल पेपर आपका चल रहा था खंडवा, कुछ इसमें आपकी टीम ने करा दिए थे शेष खंडवा के क्वेश्चन। यहाँ आपके लिए मैंने बोर्ड पर इंगित कर दिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन है वो दो दो नंबर के हैं। तो देखो इसका नवा क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का एन वा पद तो उसके प्रथम तीन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा चाहोगे कि ये भैया सर पांच से संबंधित है और पांच में आपके लिए एन वा पद दे रखा है और श्रेणी का एन वा पद बताने के लिए आपको सूत्र पता है कि ए एन बराबर क्वेश्चन नंबर नवा का हल है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी होता है, ठीक है ना। और ए एन का मान आपके लिए दे रखा है या क्या, टू एन प्लस वन। ए एन का जो मान दे रखा है वो टू एन प्लस वन के दे रखा है। इस जगह पर जो मान दे रखा है वो टू एन प्लस वन के बराबर है, यानी ए एन बराबर है टू एन प्लस वन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तीन पदों का योग याद करना है। तीन पदों का योग का मतलब है कि आपको एस डी याद करना है। मतलब याद करना है एस डी आपको याद करना है। S1 एक पद का योग, S2 दो पदों का योग, S3 तीन पदों का योग, S15 पंद्रह पदों का योग, ठीक है ना। तो आप कैसे इसको याद करेंगे प्रथम तीन पदों का योग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले जो पद दे रखा है ये का मान दे रखा है उसमें मान रखेंगे n बराबर a1 रखने पर n की जगह आपको एक रखना है तो a n की जगह पे 1 तो a1 हो गया 2 गुणा एन की जगह पे एक प्लस ए तो दो का एलसीएम बना लेंगे दो प्लस ए बराबर कितना आ गया तीन। तो ए वन क्या होता है आपका श्रेणी का प्रथम पद, तो आपको श्रेणी का प्रथम पद पर पता चल गया, ठीक है ना। एन बराबर दो रखने पर तो एन की जगह पे आपको दो रखना है तो ए टू आ जाएगा तो ये बराबर होता है दो इंटू दो प्लस वन तो दो गुना चार प्लस वन बराबर पांच के। प्यारे विद्यार्थियों, जब a1 और a2 के मान मिलाए तो ये a1 a2 ये तो प्रथम पद हो गया आपका, ये आपका दूसरा पद हो गया। तो आप b भी निकाल सकते हो, तो b बताया मैं d बराबर होता है a2 माइनस a1 के तो 5 में से 3 में याद करना बचा दो ये आपका d का मान बनेगा। s3 निकालना है तो n का मान आपको पता ही पड़ गया 3 में, ठीक है। sn वाला सूत्र लगा दो बेटा, sn बराबर n / 2 2a plus n minus 1 into b, ठीक है। a की जगह पे आपको 3 रखना है, d की जगह पे आपको 2 रखना है, a की जगह पे आपको 3 रखना है, ठीक है ना। तो s a की जगह पे 3 इस जगह पे 3 बटा 2 2 into a की जगह पे आपको क्या रखना है 3 plus n की जगह पे 3 minus a, ठीक है, into b की जगह पे आपको क्या रखना है 2। S3 बराबर 3 बटा 2 जो पहले इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 गुणा 2 तो पहले इनको जोड़ना नहीं है पहले इनका गुणा होगा बेटा। तो 3 बटा 2 ये तो 6 प्लस 2 दूनी 4 इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 3 बटा 2 इंटू 10 और 2 से ये 10 के बार कट गया 5 मान दिया 15 तो आपके तीन पदों का जो योग आएगा वो 15 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद इस हिसाब से निकालना है और उसका सार अंतर भी निकाल देना है और जो भी आपके लिए पूछा है एन वा पद पूछा है मतलब 50 वा पद याद कीजिए। जैसे इसमें मतलब तीन पदों का योग पूछा है आपसे 50 वा पद में पूछ सकता था एन की जगह पर 50 रख देंगे एन का मान निकाल देंगे, ठीक है ना। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, यहाँ आपके लिए दे रखा है इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका कौन सी से संबंधित है बताया आपको 8 से संबंधित है, कौन सी एक्सरसाइज संबंधित है 8 एक्सरसाइज से आपका ये संबंधित है।
sin square theta बराबर तो होता है 1 plus tan square theta के तो पता है नहीं पता और cos square theta बराबर होता है 1 plus tan square theta के ये सूत्र है कि नहीं है आप इन सूत्रों की जगह पे आप एक बार को प्रूव कर देंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के देखो sin square theta में क्या मान रखते हैं आपने 1 plus tan square theta प्लस इस जगह पे क्या रख दिया 1 plus cot square theta अब इनको जोड़ेंगे तो देखो बेटा हमारा tan square theta प्लस एक और एक कितना हो गया 2 plus cot square theta के cot square theta के तो प्यारे विद्यार्थियों तो अपन को ये पता है tan और cot के रूप में या यहां इसको भी नहीं करें जोड़ो बात तो इसमें अपन को यहां से ही अपन कर सकते हैं बेटा कि tan और cot के रूप में हुआ है पता है देखो tan theta ये भी सूत्र है कि tan into cot बराबर होता है 1 के तो tan into cot की जगह यानी 1 की जगह पर tan into cot भी तो रख सकते हैं अपन तो देखो यहां मैंने रख दिया इसको कि tan theta plus into cot theta प्लस ये हो गया हमारा tan square theta प्लस इस जगह पे tan theta into cot theta और प्लस cot square theta ठीक है ना बराबर देखो tan square theta देखो ये tan theta cot theta ये भी tan theta plus ये दोनों जुड़ेंगे तो ये जाएगा 2 tan theta cot theta और plus cot square theta और देखो बता ये बता किसके बराबर होता है सर सर का ये के लिए कि a square plus 2 ab plus b square बराबर होगा किसके a plus b के square के तो ये बराबर हो जाएगा tan theta plus cot theta का square और देखो इस पर वर्ग भी लगा हो और इस पर रूट भी लगा हो बराबर किसके आ जाएगा ये tan थीटा प्लस cot थीटा के तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के तो प्यारे विद्यार्थियों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन्हें आसानी से हल कर सकते हो ठीक है ना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इन साइन और कोसाइन रूप में भी बदल के आप कर सकते हो इन साइन और कोसाइन रूप में बदल दिया ठीक है ना उसके रूप में भी आप बदल के इसको कर सकते हो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देखो आपके लिए दे रखा है कि भैया इसका भावलब आपको बताना है तो देखो मेन जो एक्सरसाइज है इसमें भावलब वाली इसको तो आपको अच्छी तरीके से करना है क्योंकि ये नंबर भी ज्यादा दिए है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इस टाइप का दे रखा है देखो बस ये जो मैं आपको भावलब याद कीजिए बस प्रार्थना विद्यार्थियों की संख्या यहाँ वर्ग इतना दे रखा है 10 से 25 में 2 है 25 से 40 अंक प्राप्त करने वाले 3 है 40 से 55 अंक प्राप्त करने वाले 7 है 55 से 70 अंक प्राप्त करने वाले 6 है और 70 से 85 अंक प्राप्त करने वाले भी 6 है 85 से 90 के बीच में अंक आ रहे हैं वो भी विद्यार्थियों की संख्या से है प्यारे विद्यार्थियों इसका बहुलक निकालना है आपको तो मैंने आपके लिए बताया कि बहुलक निकालना है तो सबसे पहले इस दिवाली को देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या है बारंबारता को व्यक्त करती है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता ये है तो ये आपका किसका मान होगा बेटा f1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता को f1 मान रहा है तो यहां पर इसका भावलब निकालेंगे तो f1 का मान हमारा आ गया कितना 7 ठीक है f1 क्या होती है सबसे बड़ी बारंबारता अच्छा इससे पहली कौन सी आ रही है इसे f0 से व्यक्त करते हैं f0 बराबर क्या है आपका वो है b और f2 इससे बाद वाली क्या है ये बाद वाली है ये f2 कहलाई है आपकी ठीक है ना बाद वाली क्या है 6 है तो f2 का मान आपका 6 होगा और l आपको पता ही है सबसे बड़ी बारंबारता की निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं अपन l कहते हैं तो वर्ग अंतराल 40 से 55 दे रखा है तो वर्ग अंतराल क्या है आपकी 40 तो l का मान होगा वो 40 होगा तो l बराबर आपके लिए होगी 40 और वर्ग अंतराल आपको पता है कि भैया 40 और 55 के बीच में कितने का अंतर है 15 का तो h का मान आपका 15 कहलाएगा आपको बहुलक निकालना है बहुलक के लिए आपका सूत्र है ही है बहुलक को अपन z से व्यक्त करते हैं ये बराबर होता है n plus f1 minus f0 बटे 2f1 minus f0 minus f2 into h के ये फार्मूला है कि नहीं है इस फार्मूले को लगा दो अब इस फॉर्मूले को लगाने पर इनके मान सारे मान हमें क्लियर हैं
फिर बार को इस वाले फॉर्मूले में इंगित कर दो बेटा। जब एल का मान कितना है 40, तो एल की जगह पर 40 रखेंगे प्लस दूसरा लगा देंगे एफ पर का मान कितना है 7 रखेंगे माइनस एफ जीरो का मान कितना है 3 रखेंगे बटे 2 तो लगी रहा है एफ की जगह पे 7 माइनस एफ जीरो की जगह पे 3 माइनस एफ टू की जगह पे 6 पूछता बंद कर देंगे और एच की जगह पे 15 लिख देंगे। लिख दिया केवल केवल हमने एफ जीरो एफ वन एफ टू और एच और एल की मान रखी मान रखने के बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो 40 तो है ही है, सबसे पहले इनको घटाएंगे तो 7 में से 3 बचा कितना बचा 4 बटा। अब देखो इन दोनों का गुणा हो रहा है, पहले आप दोनों का गुणा करेंगे तो 7 गुणा 14 और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो भैया 6 और 3 कितने हो गए माइनस के 9 और गुणा 40 प्लस 4 बटे अब इनमें से इसको घटाएंगे 14 में से 9 में कितना बचा 5 गुणा 15। देखो बेटा 5 से 15 कट रहा है, 5 दिया 15 3 बार और 3 बार 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 दिया 12 तो 40 प्लस 12 और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 52 तो आपका बहुलक होगा वो 52 होगा। इस हिसाब से आपको जो आंकड़ा दे रखा है उसका बहुलक ज्ञात करेंगे। केवल केवल आपको इस बारे में बहुलक जरूरी है, सबसे पहले सबसे बड़ी बात का पता नहीं लगे वो एफ वन है उससे पहले एफ जीरो है उससे बाद में एफ टू है। एल का मान होता है जब जुड़ी मान पड़ता है न्यूनतम सीमा और एच का मान होता है इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। ठीक है मान सूत्र में रखेंगे और अपना बहुलक ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपके लिए माध्यिका दे रखी है, माध्यिका के लिए आपको केवी बनानी पड़ेगी। बहुलक बनाने के लिए आपको केवी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। माध्य और माध्यिका या माध्यक बनाने के लिए देखो माध्यिका और माध्यक एक ही चीज है, ध्यान रखा देना। माध्यिका भी निकाला जाता है और माध्यक भी निकाला जाता है। देखो वर्ग अंतराल दे रखा है इसकी केवी बनाएंगे तो देखो वर्ग अंतराल याद रखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता दे रखी है यहाँ बारंबारता यानी एफ का मान फ्रीक्वेंसी वो क्या दे रखी है 4, 8, 11, 15 और 12। ठीक है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यम निकालना है तो सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है संचयी बारंबारता यानी इसे सीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सीएफ, आप सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है। सीएफ है वो एफ का जोड़ है, पहले वाली संख्या का जोड़ करेंगे तो पहली वाली संख्या 4 की आएगी, फिर दोनों का जोड़ करेंगे तो 8, 4, 12 आएगा, फिर तीनों का करेंगे तो यहां तक तो 12 हो गया तो इन तिरछा जोड़ लिया करो 12, 11 कितना हो गया 23, 23 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 और 38 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया 50। नीचे की इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे, ये जो वाली लाइनिंग है सिग्मा एफ है यानी एफ का बारंबारता का योग है उसे एन से व्यक्त करेंगे और इनका जोड़ आएगा वो संचयी बारंबारता की जो नीचे वाली संख्या होगी वही आएगा एन बटे दो करेंगे और ये कितना हो जाएगा 50 बटे 2 ये आएगा 25। आप 25 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है तो इस वाले में आ रहा है बेटा। ठीक है ना इस वाले में अपन करेंगे जो वर्ग अंतराल जो के जो वर्ग अंतराल किसमें आ रहा है 30 से 40 वाले में आ रहा है। अतः देखो एल का मान तो बन रहा है 30 हो ही जाएगा, एफ का मान आपको पता ही है 15 है, सी एफ का मान इसे ऊपर वाला लेते हैं 30 आ गया। ठीक है एक्स का मान आपको बताइए 10 है। केवल और केवल माध्यिका निकाल के एम बराबर